नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की। और पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, रिजल्ट नहीं आया लेकिन रिवाइज्ड आंसर की आ गई और उसका भी क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। हमेशा हर वीडियो में मैं यही बताती थी कि रिजल्ट अब आ जाएगा, रिवाइज्ड आंसर की अब आ जाएगी, लेकिन अभी हाल ही में लड़कियां आयोग गई थी और वहां से उन्होंने मुझे बताया कि मैम, उन्होंने बता रखा है कि रिवाइज्ड आंसर की हमारी अब बन चुकी है, बस अपलोड फरवरी में ही होगी, किसी भी समय हो सकती है। तो देखो, बिल्कुल वो बात सही निकली। अभी दो तीन दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसी का ही अपडेट था। अब देखो, रिवाइज्ड आंसर की आ गई, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसी के लिए मैं बहुत खुश हूं और आप सभी मुझे पता है जरूर खुश होगे। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था 24 सितंबर को, और उसके बाद आपकी जो रिवाइज्ड आंसर जो आपकी आंसर की आई थी, वो आपकी आंसर की आई थी कब? अक्टूबर में आई थी। अब देखो, अक्टूबर में आंसर की आई थी और फरवरी में क्या आ रही है? आपकी रिवाइज्ड आंसर की। तो एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ रही है। तो पहले देखो, इसे एक आशा की किरण जरूर मिल रही होगी कि रिवाइज्ड आंसर की आ गई, अब आपका रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो जाएगा। चांसेस ये भी हैं कि हो सकता है आपका डीवी ना करा पाए तो डीवी की डेट जरूर बता देंगे कि किस समय होना, क्योंकि बीच में हो सकता है चुनाव आ जाए तो आपकी चीजें डिले हो जाए, लेकिन रिजल्ट तक भी अगर कर दे तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, चलो, इसके लिए आप सभी बहुत सच में तारीफ़ काबिल हो, क्योंकि आप सभी ने ट्विटर भी बहुत अच्छे से किया, आयोग भी गया। और देखो, आगे मैं यही बोलूंगी, ऐसे ही अपना दबाव बनाए रखना, जब भी आपको लगे कि डिले हो रहा है रिजल्ट आने में तो जरूर आयोग जाना, उसमें देरी मत करना। अब हम देखो इस वीडियो में क्या बात करने जा रहे हैं। एक तो ये मैंने बता दिया रिजल्ट को लेके, अब पूछोगे आप सब लगातार मुझे पता है, तो रिजल्ट देखो, रिवाइज आंसर की के बाद जनरली आपका रिजल्ट जल्द ही जारी होता है, इसका भी रिजल्ट जल्द ही आएगा। कौन से शिफ्ट में ज़्यादा अंक बढ़े हैं, कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या घटेगी, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में कितना हुआ, इसी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगी, देखो आपकी जो परीक्षा हुई थी वो दो शिफ्ट में हुई थी, एक आपकी पहली शिफ्ट थी जो आपकी सुबह हुई थी, दूसरी आपकी सेकेंड शिफ्ट थी। इसी वजह से यहाँ पर किसकी बात हो रही है, जब भी एग्जाम आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होता है। देखा गया था ज़्यादातर कि सेकेंड शिफ्ट जो है वो थोड़ी सी कंपेरिजन में फर्स्ट शिफ्ट के थी, तो नॉर्मलाइजेशन में ये माना जा रहा था कि सेकेंड शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन अब देखो बहुत चीजें बदल गई हैं, इसलिए सिनेरियो भी बदलेगा। पहले देख लो कि फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, 4 फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अब इसके बारे में क्या है बताती हूं, अभी वीडियो को बस ध्यान से जरूर सुनना, 4 आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरह अगर सेकेंड शिफ्ट की बात करूं तो 3 आपको फुल मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस में मिल रहे हैं वो ही बता देती हूं, उसके लिए सुन लो सभी को कि रिवाइज आंसर की जारी हो चुकी है, सभी ने UP SSSC की साइट पर जाके उसको ज़रूर देख लिया होगा। ऑफिशियल साइट पर जाओगे वहाँ आपको ये नोटिस ज़रूर दिख जाएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने भेज रखा है PDF, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद भी दिक्कत हो, मेरा नंबर आप सभी के पास है 8957215956, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको आपकी PDF दे दूंगी। ठीक है, दोनों शिफ्ट के PDF आपको दे सकती हूँ, आप नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, नहीं टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हो और साइट तो है ही, वहाँ से देख ही सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। पहले शिफ्ट की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन वहाँ पे है, 35 साल की गर्भवती महिला को रक्तस्राव हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसमें फुल मार्क्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं के किस अधिकार ने सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला दी है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लाभार्थी कौन है। और चौथा क्वेश्चन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स जनसंख्या में प्रसव उम्र की जो एक क्वेश्चन था, इन 4 क्वेश्चन में आपको क्या किया गया है, फर्स्ट शिफ्ट में फुल मार्क्स दिए गए हैं। दूसरे शिफ्ट की अगर बात कर लें, एक क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में आया था, मातृ मृत्यु दर क्या मापती है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानवीय संकटों प्राकृतिक आपदाओं और सहायता प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है, इसमें आपको फुल मार्क्स मिले हैं। विटामिन की पहली खुराक किस उम्र में देनी चाहिए, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट में 4 चीज़ों में फुल मार्क्स मिले और सेकेंड शिफ्ट में 3 में फुल मार्क्स मिले। अब देखो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, तो देखो ज़्यादातर बढ़ेंगे, क्यों, इन 4 में से हो सकता है 2 क्वेश्चन आपके पहले से सही रहे हों और 2 क्वेश्चन गलत रहे हों। तो कितने का फायदा हो गया, 2 पहले सही थे 2 गलत थे, तो अब
प्लस टू का तो फायदा हो ही गया, ठीक इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, तीन में से आपके एक या दो क्वेश्चन गलत या सही रहे होंगे, तो यहाँ भी आपको जरूर प्लस वन प्लस टू, और कुछ कुछ हो सकता है बहुत लकी लोग हो तो उनको यहाँ से पूरा प्लस फोर और यहाँ से पूरा प्लस थ्री का फायदा भी हो सकता है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकता हो, ये वैसे बहुत रेयर है, लेकिन हो सकता है ऐसा भी कोई हो जिसके ये चार क्वेश्चन ऑलरेडी सही रहे हों, उनको मतलब फुल मार्क्स रहा हो, तो यहाँ उनको कितने अंकों का फायदा होगा, शून्य। तो देखो ये अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ये मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसके चार क्वेश्चन जो हैं वो पहले से सही रहे होंगे, तो ये बता दूँ आप ज़रूर बहुत अच्छे नंबर आपके ऑलरेडी आ रहे होंगे, आपको वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका सिलेक्शन वैसे भी फाइनल होगा, ठीक है, इतना मुझे अच्छे से पता। अगर आपके चारों क्वेश्चन सही थे पहले भी तो इसका मतलब पेपर बहुत अच्छा करके आए हो, आप ऑलरेडी सिलेक्शन वाली श्रेणी में आते हो, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई, नंबर इसका मतलब क्या दिख रहा है, कट ऑफ आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटने के चांसेस तो बहुत कम है क्योंकि सबके नंबर अब बढ़ रहे हैं। देखो ठीक ऐसा ही चीज़ हुआ था लोअर पीसेस 2019 में, वहाँ भी ऐसे रिवाइज आंसर की जब आपकी आई थी तो नंबर सबके बढ़े थे, क्योंकि कई जगह फुल मार्क्स मिलने पर नंबर जनरली बढ़ ही जाते हैं। अब देखो कई लोग क्या कर रहे हो, अभी मुझसे लगातार मैसेज कर रहे हो, मैम पीछे हमारे 75 आए थे, 65 नंबर आए थे, इस बार इतने और पड़ गए तो ऐसे हो जाएंगे। ऐसे मत करो, चुपचाप से आंसर की उठाओ, अपना OMR उठाओ और जो इन्होंने आंसर की दी है वो कर लो, क्योंकि देखो मैंने तो जल्दी में आपको वीडियो बनाई है, मैंने ये नहीं देखा है कि पुराने वाले से नए वाले में कुछ के ऑप्शंस भी चेंज हुए या नहीं, सिर्फ फुल मार्क्स की बात मैं कर रही हूँ। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस भी चेंज हुए हों, पहले ए रहा होगा अब हो सकता है बी हो गया हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान देने के लिए चुपचाप से कुछ मत करो, OMR उठाओ, जो आंसर की शीट आई है उसको उठाओ और क्या करो, फटाफट से अपनी चीज़ों को मिला के नंबर लिख लो, जितने क्वेश्चन आपके सही हो उनको एक जगह लिख लो। सपोज करो आपने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो क्या करो, 60 उसमें से सही हो गए, 20 उसमें से क्या हो गए, गलत हो गए, सीधे ऐसे करो बस, 60 सही 20 गलत, 20 की नेगेटिव का मतलब कितना हुआ, 4, एक आपको पता है ना 4 क्वेश्चन कटने पे एक नंबर हो रहे हैं, तो कितना नंबर यहां से कटेगा, 5 नंबर कट जाएगा, यानी कि 60 में से 5 आपके स्कोर कितने आ गए, 55 आ गए, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है कट ऑफ के लिए, क्योंकि मुझे पता आप सभी लगातार कट ऑफ के लिए जरूर पूछोगे कट ऑफ कैसे करना है, तो देखो कट ऑफ तो बताने को मैं पोल पे भी डालूंगी, आपको पोल करना होगा, टेलीग्राम पे डालूंगी, यूट्यूब पे डालूंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, नंबर आपके सपोज करो आए कितने, 55, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में जाके 55 मार्क्स और क्या लिखना है, अपनी कैटेगरी, जनरल है, OBC है, जो भी आपके हैं, 52 मार्क्स और कैटेगरी क्या है आपकी, SC। ये ऐसा आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर करना, क्यों कह रही हूँ, कमेंट की चिंता मत करना, वो 4000 हो जाए 5000 हो जाए वो मेरी हेडेक है, वो मैं करूँगी, लेकिन इससे मुझे ज़रूर पता है, ट्रांसपेरेंसी होगी इससे कि गड़बड़ नहीं होगा, कट ऑफ जो बताऊंगी बिल्कुल सही होगा, वो मेरा काम है, मैं छांटूं पूरा बैठ के कि एससी के बच्चों में कितने नंबर आ रहे हैं, एसटी के कितने आ रहे हैं, ओबीसी के कितने आ रहे हैं, जनरल के कितने आ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर के कितने आ रहे हैं, पीएच के कितने आ रहे हैं। पोल में जनरली आप लोग क्या करते हो, मैं तो बनाती हूँ अलग अलग, लेकिन उसमें ओबीसी का बच्चा भी कर जाता है, उसमें जनरल वाला भी कर देता है, आप लोग ये ध्यान ही देते हो कि जनरल की कैटेगरी में कर रहे हैं कि किस में कर रहे हैं वोट, इसीलिए वहाँ तो आप करना ही पोल, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना, और कोशिश ये करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे कि वो कमेंट वाला बॉक्स जो है उससे सिर्फ मैं नहीं आप भी एनालिसिस कर पाओगे, आप देख लोगे कि जनरल में लगभग बच्चों में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे किस रेंज में जा रहे हैं, उससे आपको खुद ही अंदाज़ लग जाए कट ऑफ कितनी जाएगी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसीलिए प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रही हूं इस काम को जरूर करना, जिसकी भी जो कैटेगरी है, UR है, OBC है, SC है, ST है, PH है, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप सब उसको लिख के अपने मार्क्स लिखना, जो भी आपके नंबर आ रहे हैं, ठीक है, फिर ही देखो एक अच्छा डेटा मिल जाएगा और आपकी सही से कट ऑफ बताई जा सकती है, इसीलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से आराम से आप अपने आंसर की मैच करना, मैच करने के बाद ही नंबर देना, ये नहीं मैं क्योंकि खुद ही देखो आप जब ऐसे कमेंट करोगे ना तो मैं एनालिसिस कर लूँगी, एक बार आपके 60 नंबर आए थे, एक बार आपके 65 आ गए, तो इसलिए ये सब मत करना, प्रॉपर पहले देख लेना
फिर ही कमेंट में जाके करना। बार बार कह रही हूँ, इसको शेयर जरूर करना इस वीडियो को, जिससे कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैं एनालिसिस कर पाऊंगी, पोल भी करवाऊंगी। लेकिन पोल से मुझे मतलब थोड़ा सा लगता है कि लोग कन्फ्यूज रहते हैं, कुछ लोग वो कहीं भी पोल कर देते हैं तो सही से नहीं बन पाता डेटा। इसीलिए कह रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मेरा काम है। और मुझे पता है कि आप सब भी उसको देख के खुद ही एनालिसिस कर लो कि अच्छा इतने लोगों के इस कैटेगरी में इतने आ रहे हैं, इसका मतलब कट ऑफ इतनी जाने वाली है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि रिजल्ट जल्दी आएगा, वीडियो भी आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर करना, और जल्द ही सरकारी विभाग में आओ, आप सभी का स्वागत है। जल्द ही सरकारी नौकरी जितनी तैयारी कर रहे थे, मुख्य सेविका की लड़कियों स्पेशली आप सभी बहुत मेहनत से पढ़ाई की हो, और ऐसे ही मुझे पता है आगे और भी अपनी ऊंचाइयों को पाते रहोगे। परेशान बिल्कुल मत होना, सभी ने बहुत अच्छा किया है और पेपर भी अजीब आया था, ये सभी को पता है। इसलिए जो भी आपका नंबर आ रहा है उसको बस वहाँ कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से लिखना, बेकार में मत लिखना कि मेरे 75 आ रहे, मेरे 80 आ रहे। जो जेन्युइनली आपके नंबर आ रहे हैं उन्हीं को वहां पे लिखना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये काम जरूर करना, ये आपकी जिम्मेदारी कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करो, जिससे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा चीजें दिख जाए और मैं उसकी एनालिसिस करके आपको डेटा बना के दिखा पाऊँ। ठीक है, वीडियो पर नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और कोई क्वेरी हो तो वो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे ही पूछ सकते हो। धन्यवाद।